अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है ना सोचा कि अपने व्लॉग से हटके कुछ डिफरेंट करते हैं। हम लोग आए हुए हैं डॉलरामा राइट नाउ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि डॉलरामा इज अ वेरी चीप स्टोर कैनेडा में। जो है ना वो ऑलमोस्ट हर एरिया में, मतलब आप जिस भी एरिया में रह रहे हो आपको एक ना एक डॉलरामा जरूर मिलता है। एंड बेसिकली यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, घर के आइटम्स मिलते हैं, बेसिक आइटम्स मिलते हैं। आपको बताएंगे इस व्लॉग में क्या क्या मिलता है अगर आपको नहीं पता। साथ साथ कुछ शॉपिंग भी हमें करनी है तो वो भी हम कर लेते हैं। Let's go. पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉलरामा बड़ी अच्छी शॉप होती है उन तमाम लोगों के लिए जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि हम लोग काफी लिमिटेड बजट के साथ यहाँ पे आते हैं। तो जो नया नया घर सेट करना होता है उसमें हमें जो है वो थोड़े कम पैसों में ज्यादा आइटम्स चाहिए होते हैं ताकि हम फटाफट सेटिंग कर लें अपनी, और ज्यादा महंगी महंगी चीजें नहीं ले सकते। तो डॉलरामा में ना काफी चीप, काफी सस्ता सामान मिल जाता है, अच्छे प्राइस में मिल जाता है। ज्यादातर चीजें यहाँ पे $4 के अंडर में ही मिलती है। कुछ चीजें आपको उससे भी ऊपर शायद हो थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी अदर स्टोर्स होते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए तो हम उसके बारे में बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे के मार्ट से या फिर इवन चाइनीज शॉप्स वहाँ पे हुआ करती थी हर हर एरिया में, तो वहाँ से हम ले लिया करते थे। वहाँ पे बल्क में सामान मिलता था, या फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ हफ्ता बताए इतवार बताए वाला सामान जो मिलता है, तो उस तरह का सामान यहाँ डॉलरामा पे, डॉलर लैंड करके और भी दुकानें हैं वहाँ पे भी मिलता है। ऑल्सो गाइज प्लीज आप लोग यार सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें जल्दी चैनल को ताकि फटाफट जो है वो हम लोग को मोटिवेशन आए। एंड लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले ग्लासेस के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप्स के ग्लासेस रखे हुए, $1.25 से लेके $1.50 तक के ग्लासेस हैं, यानी $1.50 के भी हैं ये ईच ग्लासेस हैं, एक एक ग्लासेस के अलावा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए मग्स रखे हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे से, अलग अलग कलर्स के मग्स हैं, कुछ तो बड़े कस्टमाइज किस्म के मग्स भी हैं। ये देखो $2.50 का जो है वो इस तरह से बड़े प्यारे प्यारे मग्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े हर साइज के मग्स हैं। नीचे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बोल्स भी रखे हुए हैं और प्लेट्स भी रखी हुई है। ये देखो नीचे कितनी प्यारी प्लेट्स हैं अच्छा, और ये वाली प्लेट जो है ना इसकी नीचे प्राइस भी लिखी हुई होती है, $2.50 की ये एक प्लेट है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोग ये प्लेट किसी और मार्केट में जाके लोगे ये महंगी ही मिलती है, फिर $5-$60 की जो है वो आपको मिलेंगी। ये देखो छोटी रायते वगैरह की, या जैसे दावतों में हम लोग प्लेटें वगैरह दावतों में जरूरत पड़ती है ऐसे बोल्स की, तो ये $2 के जो है वो तीन सेट है छोटे छोटे से, इसमें रायता चटनी वगैरह सब डाल दो। अलग अलग भी मिलते हैं, ईच पीस भी मिल रहे हैं। ये देखो रेड कलर का लुकिंग नाइस। यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर रखे हुए सारे, और ये एक जो है ना $4.50 का जो है वो सेट है, समझ ले ऐसा वाला दो का सेट है $4.50 का प्लास्टिक कंटेनर का, इसमें हर साइज मिल जाएगा। अगेन ये देखो इतने प्यारे प्यारे ये सब कंटेनर्स, ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। सिमिलरली ये देखो छोटी छोटी चीजें, ये आइस क्यूब्स वगैरह, ये सब हमें वहाँ ऑस्ट्रेलिया में के मार्ट में मिल जाया करता था, एंड अब हमें यहाँ पे डॉलरामा पे मिलता है सस्ता सस्ता $1.50 का। तो हर चीज की प्राइस देखिए कितनी अच्छे से लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे अगर आप आए ना तो आपका $100-$200 तो खर्च करना लाजमी है। बहुत बहुत जबरदस्त चीजें रखी हुई होती है यहाँ पे। ये देखिए बच्चों के प्लास्टिक की बॉटल्स, स्कूल वगैरह जाते हैं ना बच्चे तो उनके लिए। पीछे ये देखिए आप लोग मसाले वगैरह के जार्स लेने ना यहाँ पे बड़े सस्ते मिलते हैं। ये चीजें जो है वो हम लोगों ने आईकिया से ले ली थी, शुरू में हमें पता नहीं था कि डॉलरामा में यहाँ पे इतनी अच्छे जो है प्राइस में मिलती है चीजें। तो मैंने ना ये वाला सेट लिया था, एंड दिस सेट वॉज $4.75। इसमें जो ना ये आपके लाइक छोटे साइज के जो है वो जार्स हैं, इसमें आराम से मसाले आ जाते हैं। इसी तरह बड़े साइज के भी जार्स मिलते हैं, अलग अलग भी मिलते हैं। ये बड़े साइज के जार्स हैं और ये $3 के तीन है, सो इट्स अ रियली रियली गुड प्राइस। और ये देखिए यहाँ पे सर्विंग ट्रेज भी मिल रही है, सर्विंग ट्रेज इस तरह की यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मिलती है, ये $4 की एक ट्रे है। तो जो जो लड़कियां यहाँ पे नई नई आ रही हैं और किचन सेट करने के मामले में थोड़ी परेशान है, देख रही है सामान, तो आईकिया या वॉलमार्ट वगैरह जाने से पहले डॉलरामा जरूर आके चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बेसिक सामान मिल जाएगा सारा का सारा और अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। बहुत घूमना नहीं पड़ेगा आपको, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये भी है कि ईच आइटम भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा सेट ही लेना पड़े। अगर आपको ईच एक एक पीस लेना है किसी चीज का तो आप वो भी ले सकती हो, दूसरे स्टोर में इतनी ना चॉइस नहीं होती है सब। अच्छा ये वाले डस्टबिन देखे, इस तरह के डस्टबिन मिल रहे हैं यहाँ पे $4.75 के, ये प्राइसेस है इसके। एंड रिमेम्बर कि चूंकि ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है ना, इनके ऊपर HST लगेगा, तो ये ऑल प्लस टैक्स है। लॉन्ड्री का सारा एरिया है यहाँ पे कपड़े वगैरह, जैसे एक बास्केट जो है ना वो यहाँ पे हम देखते हैं तो $4.75 की इस तरह की बास्केट है। ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे लॉन्ड्री के, सारे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं अलग अलग किस्म के, जैसे इस तरह के डिब्बे हैं यहाँ पे, स्टोरेज बॉक्सेस हैं बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह को स्टोर करने के लिए, टॉयज स्टोर करने के लिए अच्छे ये स्टोरेज बॉक्स हैं, ये भी $4.75 के हैं। सो डॉलरामा आके ना आपको एक और भी फायदा होगा, और वो ये कि आपको सुपर मार्केट जाके वॉलमार्ट जाके जो चीजें महंगी मिलेंगी ना वो आपको यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। जैसे आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि सारा
लॉन्ड्री के सामान रखा हुआ है, मल्टीपर्पज रखा हुआ है, और सर्फ रखे हुए हैं। सर्फ तो खैर नहीं होता उस तरह से, यहाँ पे जैसे टाइड है, लिक्विड है, लॉन्ड्री लिक्विड, तो इस तरह की चीजें आपको $4 की मिल जाती है। यही चीज है ना आपको वॉलमार्ट पे $5.5-$6 की मिलेगी, आई एम प्रीटी श्योर। हम लोगों ने लिया इसलिए बता रहे हैं। ये मल्टीपर्पज आप देखे, ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रखे हुए, स्प्रे वॉश, ये सब $3.5 के $3 में मिल रहे हैं। ये तो नॉर्मली सुपर मार्केट में चीजें $4.5-$5 की भी मिलती है। अब बात करते हैं अलमारी सेट करने के मामले में, तो वार्डरोब के सबसे जरूरी क्या चीज होती है, हैंगिंग, राइट। तो हैंगर्स यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिलते हैं, यहाँ पे जिन्हें $2.5 के 4 के भी है, डिपेंड करता है क्वालिटी पे, और ये $2.5 के 7 भी है। अच्छा, इवन स्टील के भी हैंगर्स हैं, ये देखो 10 हैंगर्स हैं $2.5 के। और जबरदस्त लेने हो तो फ्लैनल वाले भी है, ये देखो $3 के इसमें 4 है, ये भी अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पे बाथरूम मैट्स भी रखे हुए हैं, अलग अलग क्वालिटी के मैट्स हैं, कुछ $5 के जो है वो थोड़े लाइट क्वालिटी के हैं, $5 के कुछ हैवी अच्छी क्वालिटी के भी हैं। अब मेरे लेफ्ट पे और राइट पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेफ्ट पे दिखाती हूँ। पहले गार्बेज बैग रखे हुए हैं, बहुत सारे गार्बेज बैग, जैसे कि ये 10 का पैक जो है ये बड़ा सस्ता था, $1.5 का, जस्ट $1.50 का। ऐसा अगर आप गार्बेज बैग नॉर्मल स्टोर पे लोगे ना तो आपको आराम से $3.5-$4 का पड़ेगा। और इस तरह अलग अलग वेरायटी है, कंपोस्टेबल बैग्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे कंपोस्ट बैग की बड़ी जो है वो डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला गार्बेज बैग साइज पे भी डिपेंड करता है, बट ये है डब्बा $4 का, सो $4 का ये डिब्बा है, इसमें 4 बड़े साइज के गार्बेज बैग्स हैं। और ये राइट पे जो अगर आप लोग देखें, यहाँ पे डस्ट पैन भी मिल जाते हैं, हमें डस्ट पैन की बड़ी जरूरत होती है, बच्चों वाला लग रहा है $3 का है। जैसे कि ये मॉप है $2.50 का, जो ना वो नीचे डंडा नहीं होता, खाली इसका एक्सेसरी है, तो $2.5 का ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्पंजेस मिल जाते हैं, ये देखें 10 का पैक स्पंज का सिर्फ $1.5 का, इसमें 10 पैक यानी आराम से जो ना वो 2 महीने तक चल सकता है। हैवी ड्यूटी और भी स्पंज है, ये थोड़े लाइट क्वालिटी के, मतलब हर क्वालिटी के, जो भी आपको क्वालिटी लेनी है उसके लिहाज से आप ले लो। मैं आपको सस्ती चीजें दिखा रही हूँ जो शुरू में आपके लिए जो ना आसानी हो जाए घर सेट करने में। यहाँ पे जिप लॉक बैग रखे हुए सारे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये जिप लॉक बैग देखो, थोड़ा लार्ज साइज का जिप लॉक बैग है, एंड द कॉस्ट हेयर $1.50 का, और इसमें 5 बैग्स हैं। ये सब चीज़ें आप किसी भी सुपर मार्केट में लोगे, लिटरली आपको ये चीज़ें $5.5-$6 की एक एक, मतलब 5-5 पैक की इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो दैट्स क्वाइट अलॉट, मतलब बहुत बहुत सारी कॉस्ट सेविंग है, नो डाउट। हम आपको बड़ी चीज़ दिखाते हैं, वो है किचन। अब हम किचन सेट करने की तरफ आते हैं, आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे बेकिंग की ट्रेज, इस तरह की ट्रेज सारी, एलुमिनियम फॉइल्स बारबेक्यू वगैरह के लिए, ये वाला है $1.75 का ईच मिलता है, कुछ पैकेट्स में भी मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना किचन का छोटा छोटा सामान आ जाता है, आप खाना वाना बनाना होता है, चम्मच वगैरह ये सब चीजें हम लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, स्ट्रेनर अगर लेना होता है ना, ये वाली है $4 की, नॉट बैड राइट। चाय की छलनी है यहाँ पे $1.5 की। सो आटा गूंढने के लिए हमें जो चाहिए होते हैं कुछ बर्तन राइट, इस तरह का स्टील का बड़ा अच्छा रहता है, ये है सिर्फ $4 का, नाइस है ना। $3 का विस्कर है, इस तरह के सेट भी मिलते हैं बेकिंग के लिए, $5 का है। इसी तरह ये सारा बेकिंग का ही सामान है, इसमें मेजरमेंट सेट्स वगैरह सब कुछ, कप्स हैं देखो $5 के, इस तरह के कप्स हैं, बेकिंग जिनको शौक होता है उनके लिए अच्छी चीज है, जन्नत है जन्नत। ये देखो यहाँ पे मेजरिंग सारे सेट्स है, ये भी $3 के मेजरिंग सेट्स है सारे। देखो ये बड़ी वाली छुड़ी $4.5 की है, और ये देखो इस तरह के जो चम्मच का सेट है ये $4 का है, इट्स नॉट बैड। लकड़ी के भी चम्मच रखे हुए, ये भी $3.5 के। कुछ लड़कियों को ना सिलाई वगैरह का बड़ा शौक होता है या कुछ क्रिएटिव होती है, तो उस क्रिएटिविटी को यहाँ आके देख सकती हो। यहाँ पे बहुत सारी रिबन्स हैं, अलग अलग किस्म के क्रिएटिव सामान है, वूल्स वगैरह रखे हुए हैं, $4 के अंदर अंदर हर चीज है, बीड्स हर किस्म के कलर्स रखे हुए हैं, सीजर्स हैं बहुत सारी, क्या बराबर में बड़ी अच्छी चीज है। ये देखिए टेबल कवर, टेबल कवर किसी को लेना हो तो ये $4 का टेबल कवर है, राउंड कवर स्क्वायर वाला $4.25 का है, बड़ा सस्ता है यार। ये चीजें तो आप लेने जाओ कहीं तो $10-$15 से कम का कुछ नहीं मिलता है। ये देखो हैंड ग्लव्स यहाँ पे किचन के $4.25 के हैंड ग्लव्स हैं। ये देखो ये रोटी की साफी है सारी, ये बड़ी अच्छी है, ये $4 में आपको मिल जाती है। ये सारे के सारे बाथ टॉवल्स हैं, ये भी $4.5 के हैं, बाथरूम सेट करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ पे आ जाते हैं सारे के सारे मैट्स, ये देखिए फ्लोर मैट आ रहे हैं, और ये है कितने का जी, $5 का आई थिंक, $4.25 अगेन, बट ये वाले बहुत अच्छे हैं $4.25 के। घर के डेकोरेशन के आइटम्स बड़े अच्छे रखे हुए, देखें यहाँ पे ये इंडोर प्लांट जो है ना छोटा सा एक यहाँ पे है, कितने का जी, $4.75 का है, ये ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है। स्टिक टाइल्स है, अच्छा अच्छा सही। तो बेसिकली अगर आपके किचन में वो दीवार वगैरह खराब हो जाती है ना, जिनके अपने घर होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप इसको स्टिक कर लो, आई थिंक ये निकल भी जाते हैं। ये $2 के कितने, 2 पीस है इसके अंदर, ओके नॉट बैड। इस तरह की बास्केट्स कुछ लड़कियों को रखने का शौक होता है ना, जैसे ये वाली बास्केट है, ये है $5 की। हर किस्म के कलर्स भी है, सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक, जो भी कलर ले लो।
यहाँ पे विंटर का सामान सारा, बच्चों के ग्लव्स हैं, बड़ों के ग्लव्स हैं, छोटे छोटे मिटेंस हैं, जैसे ये वाले हैं कपड़े के ग्लव्स, ये हैं $1.50 के। थोड़ी ज्यादा अगर ठंडक पड़ती है, मिटेंस वगैरह बच्चों के, यहाँ पे देखो कितने क्यूट है, हमने सैफ के लिए भी लिए थे, ये $3.50 के मिटेंस हैं। और टोपे शोपे भी रखे हुए हैं, सारा गर्म सामान है, विंटर का ही सामान है सारा। और मफलर्स भी है, ये देखो कितने क्यूट है ये मफलर्स, मैं सोची इनमें से एक ले भी लूँ। ये बड़ों के आ गए सारे, ये लड़कों के टोपे आ गए सारे, जेंट्स के, लेडीज के, हर किस्म के जो है ना मिल जाएंगे यहाँ पे आराम से। ये देखो यार ये कितने मोटे अच्छे, ये अच्छे $3.50 के तो है ना। अभी ग्लव्स देखते हैं कि लड़कों के ग्लव्स कितने के हैं। दीज आर $4.50, बहुत सही ग्लव्स है यार, फिट है ना शर। ये देखो मोटे वाले सॉक्स घर में पहनने के लिए अच्छे रहते हैं, काफी सर्दी आ रही है, अभी $4 के अच्छे सॉक्स हैं। यहाँ पे सारा मेकअप रिमूवल का सामान है ज्यादातर, और ब्लैक हेड स्ट्रिप है, पर्सनल केयर के लिए होती है लड़कियों का ज्यादातर सामान है, मेकअप रिमूवल इस तरह की मिल जाते हैं $1.25 के लिए। छोटी मोटी मेडिसिन भी मिल जाती हैं, जैसे कि मुझे विक्स लेनी थी, मेरा गला खराब हो रहा है, ऑलरेडी मैंने इनहेलर तो ले लिया है, आपको शायद उसके लिए माजरा चाहता हूँ, थोड़ा गला आवाज भारी हो रही होगी, बट ये कि एक तो ये चीज लेनी थी और एक ये दोनों चीजें, क्योंकि ये उंगली के लिए लेनी थी, ये वाली जेल आइस जेल, और विक्स तो मतलब गले के लिए होती है, ये है $3.50। तो छोटी मोटी फर्स्ट एड किट आप यहाँ पे अपनी बना सकते हो, ये चीजें यहाँ पे लगी हुई है, बैंडेज हो गई, प्रेगनेंसी टेस्ट भी रखा हुआ है, अगर किसी की जरूरत हो, मतलब कोई प्रेगनेंट ना हो रहा तो यहाँ पे आके $1 का ले लो, फटाफट से प्रेगनेंट हो जाओगे। तो ये ट्रेवल किट्स भी हैं यहाँ पे, इसमें आप जो है वो डाल लो, जो भी अपने मंजन मंजन डालने होते हैं, क्योंकि ये कनाडा है दोस्त, यहाँ पे जो है वो आपको हर वक्त जो है वो गाड़ी में लोग कहते हैं कि जो है वो चीजें तैयार रखनी चाहिए, खाना पीना जो है वो फुल टॉल मतलब रखो, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं फंस गई बर्फ के अंदर तो फिर जो है वो आपको लेने के देने ना पड़ जाए। तो ट्रेवल किट मतलब तैयार करके रखो, अभी तक हमने की नहीं है, बट ये कि आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग जंगल में रहते हैं, मतलब मिल्टन में रहते हैं। सो अगर आप बात करें लड़कों की कि जो है वो लड़कों को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है उनके लिए कि हार्डवेयर आइटम्स सस्ते, मतलब टूल्स जो होगा छोटे मोटे, क्योंकि आप जब जितने पुराने होते हो तो फिर आपको ये बाद में शायद चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी, वैसे भी रेंट के घर में रहते हो तो इतनी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ एनीवे, मगर आपको टूल्स जरूर चाहिए होते हैं, जिसमें प्लायर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लायर हो गया, आपके स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, आपका ये रेंच पाना हो गया, और इस तरह की तमाम चीज़ें हो गई, मतलब हैमर शैमर हो गई, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम कोई चीज़ है, ये तो चाहिए भी नहीं होती, अब तो बहुत कटर आ जाते हैं दुनिया में, इंची टेप हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब $3.50 का। और तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके ऊपर 13% टैक्स होता है, तो वो आप जोड़ के जो है वो लगा लिया करो, मतलब जो प्राइस लिखी होती है, जो नए आने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो प्राइस वो नहीं होती, जब आप काउंटर में जाते हैं तो वो प्राइस टोटली डिफरेंट होती है। तो इसी तरह अगर हार्डवेयर से निकल के आप इलेक्ट्रिकल में आओगे, तो इलेक्ट्रिक में आपको जो है यहाँ पे छोटे मोटे बल्ब मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बल्ब आपको मिल जाएंगे, अगर आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप वो भी यहाँ से जो है वो, ये देखो $1.25 के दो हैं, ये जो है वो $1.25 का एक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का वो होल्डर है बैग। मैंने देखा लोएस वगैरह के ऊपर यहाँ पे या वॉलमार्ट पे काफी चीजें महंगी है, वही चीज जो यहाँ पे आपको $2-3 के अंदर आसपास में मिल जाएगी, वही $8-10 की चीजें जो है वो मिलती है वहाँ पे। एक दफा कहीं पे भी जाने से पहले मतलब ऑनलाइन जरूर चेक कर लिया करो, ये अब बाहर की सीख है हमारी, 10 साल से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो यही करते थे कि जब भी जाते थे, औरतों को थोड़ी इरिटेटिंग होगी ये चीज करना, तो उनकी बातों में मत आना, आप जो है वो लड़कों को मैं बता रहा हूँ कि जो है उनको ये लगेगा कि यहाँ से ले लो वहां से ले लो, मगर अपने मामले में जब आएंगी वो तो वो कहेंगी कि नहीं नहीं ये है वो है, बट अपनी थोड़ी सी दिमाग लगाना, अपनी रिसर्च करना, उसके बाद जहां से चीज लेनी है वहां से ले लेना, लड़कों के लिए लेसन है। टैग है वहाँ पे, टैग से मुराद उस तरह का नहीं होता ऑब्वियसली जो बड़े स्टोर्स के अंदर होता है, बट यहाँ पे आपको छोटी मोटी लीड्स, HDMI, चार्जिंग की कोई कॉर्ड होगी, इस तरह की कोई चीजें, कोई छोटे मोटे हेडफोन हो गए $4-5 के लेने हो, कोई क्वालिटी के होकर अगर आपको वो ना करना हो तो उस तरह के ले सकते हो। ये देखो तो गाड़ी के लिए जो है वो मोबाइल वो जो स्टैंड होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर भी मिल रहे हैं $4-4 के। हाँ ऑब्वियसली इस तरह की ये चीजें नहीं होंगी कि क्वालिटी के ऊपर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज होगा, मगर अगर $4-2 में आपको चीजें, देखो ऑक्स की जो है वो लीड है तो यहाँ पे $2 की है, मुझे भी लेनी होगी शायद, आई थिंक आगे चल के। इसी तरह ये चार्जिंग जो है वो केबल्स हैं $4, $4.5 की, ये उस तरह की ऑब्वियसली इनकी क्वालिटी नहीं होगी, बार बार बता रहा हूँ, बट ये है कि चलते चलाते के लिए काम अच्छा मिल जाएगा आपको, और अगर बाद में किसी अच्छी ब्रांड की लेना चाहते हो ऑब्वियसली एप्पल वगैरह की, तो वो $20-25 की मिलती है आपको। बट सो हम ये सजेस्ट करेंगे जब तक आप लोग की एक प्रॉपर जॉब नहीं होती या फिर कोई भी ऐसी कोई इनकम स्ट्रीम नहीं होती, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो कनाडा आके पहली फर्स्ट टाइम में, तो इस तरह की चीजें आपको मतलब अच्छी रहती हैं कि लो बजट चीजें मिल जाए, मतलब इवन यहाँ पे देखो टॉयज वगैरह भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर देखो ये है कपड़े टांगने वगैरह के लिए जो है वो तौलिया के लिए हुक्स हैं, ये तो ये भी $4 के हैं। यहाँ पे ग्लव्स भी हैं, यहाँ पे जो लोग बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर से मुराद के कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई गार्डन साफ कर रहे हैं, कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई बर्फ साफ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजें, तो उनके लिए इस तरह के जो है वो डिस्पोजेबल ग्लव्स भी मिल जाते हैं। सो यहाँ आप जो देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे बलून वगैरह पार्टी का तमाम सामान आपको मिल जाता है। ये बलून का सेट जो है वो $1.25 का, यही एग्जैक्टली कल बलून का सेट सनाने जो
लिया है, वो $2.5 का लिया था वॉलमार्ट से, मुझे याद है। तो देखो कितना डिफरेंस है, मतलब डबल का डिफरेंस है अगर आप वहां से लेते हो और फिर वर्सेस यहां से लेते हो। आप जैसे कि देख रहे हो यहां पे जो है वो बच्चों के लिए जो है वो टॉयज भी यहां पे लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग तरह के उनकी एज के, और हर हर टॉयज जो है वो यहां पे बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, $5 का। तो ये देखो स्नूकर की टेबल मिल रही है यहाँ पे एक मिल गई $5 की है यार, बताओ रियल नहीं है, टॉयज है, आराम से $5 $6 के आसपास मिल जाती है। जबकि ये चीजें अगर हम लोग वहाँ पे मतलब केमार्ट की बात करें तो बहुत महंगी मिलती थी, $20-25 की मिलती थी। अगर आप यही वॉलमार्ट की या कहीं और की बात करोगे ऑब्वियसली तो वहाँ पे भी $15-20 से कम की कोई टॉयज नहीं आते बच्चों के, और वहाँ पे ले जाना उनको एक जो है वो अजाब बन जाता है आपको। और क्रिसमस का सीजन है, अगर आप लोग आ रहे हो पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आ रहे हो, तो बच्चों को अगर यहाँ लाना है या किसी के घर पे जाना है छोटी मोटी ऐसी कोई चीज वो देनी है, अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें आके ले सकते हो। और ये देखो ये कितने का, ये $3 का यहाँ पे, तो ये भी चीज अच्छी होती है बच्चों के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है उनका। ये आयन देख रहा था कल, और कितने का था ये $10 का बताओ, और ये यहाँ पे $1.50 का लगा, ये है क्या कार्ड्स एंड डाइस, तो इससे हुआ क्या पता नहीं। बच्चों की अलग अलग चीजें होती हैं यार, हम लोगों क्या वो ऐसी चीज है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखो स्टेशनरी वगैरह भी मिल जाती है, कार्ड्स भी मिल जाते हैं, डायरीज भी मिल जाती हैं, जो लोग शौकीन होते हैं नोटबुक बनाने के लिखने के लिए, तो यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। एनवलप भी मिल जाते हैं, यहाँ पे एनवलप का सेट है $1.75, $2 समझ लो, तो नॉट टू बैड, बहुत सस्ती चीज है यहाँ पे। मतलब कॉस्ट सेविंग अगर आपको लिटरली करनी है तो डॉलरामा जैसी जितने भी $1, $2, $5 तक की शॉप है वहाँ पे, जहाँ पे भी आप होगे कनाडा के अंदर आपके इलाके में लाजमी होंगी, तो विजिट जरूर कर ले। तो ये देख रहे हैं आप जैसे कि बच्चों की जो है वो बुक्स रखी हुई है यहाँ पे, कलरिंग बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, हर हर तरह की जो है वो आपको चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी अलग अलग तरह की। और ये देख रहे हैं आप जैसे कि ये है कितने की है भाई, तो जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं तो ये है $2.50 की, तो स्टोरी बुक्स होती हैं, कलरिंग बुक्स होती हैं, तो इसी तरह की स्टोरी बुक्स कलरिंग बुक्स $2, $3, $4, $5 इस तरह की जो है वो वेरी कर रही हैं यहाँ पे, कलरिंग बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं। तो एज के हिसाब से आप लोग जो है वो चीजें आराम से ले सकते हैं अपनी रेंज के अंदर। तो अगर आप लोग जो है वो जा रहे हैं किसी के यहाँ और किसी को वाइन शाइन देनी है, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, तो आप जो है वो इसमें डाल के दे सकते हो। ये है पता नहीं कितने का, $1.25 का, तो ये है वाइन की बॉटल जो है वो $100-200 की होगी, और ये कितने का होगा, $1 का होगा। इस तरह की हरकतों में मत पड़ना, बेकार में बुरी बात होती है, $2.50 का। और वहाँ पे जो है वो कल मैंने वॉलमार्ट में देखा था तो यही चीज जो है वो $7.50 की थी आई थिंक, एक गिफ्ट रैप, हाँ एक जो है ना गिफ्ट रैप, तो ये एक $7.50 का था, और यहाँ पे $2.50 का एक मिल रहा है, कोई सा भी आप ले लें $2.50 का। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो है वो टीम ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड और ग्रूम की भी चीजें मिल रही है। हमारे तो जो है वो बुढ़ापे के दिन आ गए, तो आप हमारे ऊपर तो ये चीजें सूट नहीं करती है, मगर जो लोग नए यंग लड़के लड़कियां यहाँ पे आ रहे हैं बगैर शादीशुदा सिंगल, तो जो है वो ये लेके आप जो है वो, या फिर कभी हम भी पहन के जो है वो ऐसे ही चले जाएंगे कहीं पे, सोचेंगे अपने आप को जो है वो 10 साल पुरानी के यादें ताजा हो जाएंगी। ये $4 की जो सन्नत दिखा रही है, इसी तरह पीछे आप देखो मेरे यहाँ पे जो है वो डिस्पोजेबल की, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी, टेबल कवर से लेके जो है वो जो बर्थडे पार्टीज में स्पेशली हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइप की चीजें लिया करते थे। और ये यहाँ पे कितने की है, तो ये है $1.50, इसके अंदर है 16 प्लेट्स और $1.50 की है। तो अगर आप लोग के यहाँ जो है वो 20-25 लोग आ रहे हैं तो दो, अगर ये ऐसे सेट लोगे तो $3 में आपको मिल जाएगी, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड यार, बहुत मतलब सस्ता है। इवन मैं अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। सो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सिडनी की बात करूँ तो वहाँ पे जो चाइनीज शॉप थी वहाँ पे भी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, क्योंकि वो उनकी प्राइस के मतलब फिक्स नहीं होता था कि $5 से कम ही होगी, वहाँ पे $10, $12, $15 की भी चीज़ें होती थी। बट यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम under $5 आपको मिल जाएंगी। देखो कितनी यहाँ पे वैरायटी ऑफ टिश्यू पेपर्स हैं, यहाँ पे जो है वो $3 का है। ये हर वक्त हमारे यहाँ पे सिडनी में पार्टियाँ होती रहती थी, तो हमें हर वक्त चीज़ें चाहिए होती थी, या फिर अपने जो है वो बहन भाइयों के साथ कभी पिकनिक पे चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, बारबेक्यू करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, तो इस तरह की जो प्लेट्स होती थी वहाँ पे काफी कॉस्ट करती थी, मतलब ये $4 की, ये तो खैर अच्छी चीज है। और ये है तकरीबन 12 प्लेट्स, तो अगर आप लोग 12 से कम लोग हो तो ये बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। सो देखो आपको यहाँ पे स्नो शवल भी मिल जाता है, और ये है $5 का, जो कि बहुत ही आई थिंक सस्ता है, लो क्वालिटी होगा, बट ये है कि हाँ बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके अलावा बहुत कुछ आइटम्स हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने अभी आपको वीडियो में दिखाई भी नहीं, बट एक आइडिया देने के लिए हमने आपको दिया है अलग अलग सेक्शन जो भी होते हैं, जो भी उनकी प्राइस होती है। अब हम लोग चलते हैं अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, जो भी हमें सामान खरीदना है, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।